एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। कि ये हमारे ए से लेके डी पार्ट तक गिवन है, इसमें हमें ये बताना है कि ये जो नंबर्स गिवन है अपने पास, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन है या नहीं। इसमें ये बताना है कि भाई इनके प्राइम फैक्टराइजेशन है या नहीं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं बचना चाहिए जिसके दोबारा से फैक्टर हो जाए। तो अगर दोबारा से फैक्टर हो जाए इसका मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे 24 है, अब देखो इसका आंसर लिखेंगे हम नो। इसका आंसर में हम क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, सिंस करके बताएंगे, क्योंकि 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। देखो कंप्लीट होने के लिए हमने क्या कहा था, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या जरूरी है कि और फैक्टर नहीं होने चाहिए। 4 है, 4 के तो फिर फैक्टर हो रहे 2 into 2, इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट डन नहीं है। तो इसमें आ जाएगा इसका आंसर नो। नेक्स्ट है इसका 7 to 14, 14 to 28, 28 को 2 से करेंगे तो ये दे रखे हैं 56 के। बी पार्ट में कितने दे रखे हैं, ये 56 के। अब देखते हैं इसके फैक्टर सही है नहीं। अब देखो 7 के और फैक्टर नहीं हो सकते, 2, 2 और 2, तो इसका कंप्लीट प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखा है, क्योंकि कोई भी ऐसा इसमें डिजिट नहीं है जिसको हम फिर से ब्रेक कर सके। तो इसमें हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यस, इसका आंसर हो जाएगा यस हो जाएगा। नेक्स्ट है 70, क्या है 70। अब इसमें क्या है, 2 into 5, 10, और 10 7 जा 70। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या जाएगा, 2 के भी और फैक्टर नहीं हो सकते, 5 के भी नहीं हो सकते, 7 के भी नहीं हो सकते, तो इसका आ जाएगा यस, इसका भी आ जाएगा यस। उसके बाद डी पार्ट में देखिए, अब इसमें देखो 2 into 3 into 9, ये दे रखे 54 के, किसके दे रखे हैं 54 के, इसका आंसर नो आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। क्यों आ जाएगा, सिंस करके क्या दिखाएंगे, 9 के फिर से फैक्टर हो रहे हैं, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 into 3, तो ये आ जाएगा 3, 9 को क्या लिख सकते हैं, हम 9 को लिख सकते हैं 3 multiply by 3, तो इसके कंप्लीट प्राइम फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कहता है कि डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाई 45। ये बताना है कि हमें कि भाई ये जो नंबर है 45 से डिवाइड होता है नहीं। तो देखो एक तो हम कंप्लीट डिवीजन से चेक करें, उससे लंबा प्रोसेस चलेगा, तो हम क्या करेंगे कि भाई 45 के कोई दो हम को प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं। जैसे हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में कि 45 को हम क्या लिख दें कि 9 5 जा 45। अगर ये नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाता है और 5 से भी डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये 45 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें 25110, इसके लास्ट में 0 है, तो 5 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो। तो इसका मतलब क्या है कि 5 से क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो लिख देंगे इज डिविजिबल बाई 5, किससे डिवाइड हो जाएगा 5 से। अब इसमें क्या करेंगे, 9 से डिवाइड होने का क्या रूल है, 9 से डिवाइड होने का रूल है कि भाई इन डिजिट्स का सम करेंगे, अगर वो 9 की टेबल से डिवाइड हो जाता है, 9 का मल्टीपल आ जाता है, इसका मतलब ये कंप्लीट 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, 2 + 5 + 1 + 1 + 0, तो 7, 8 और 9, तो कितना आ जाएगा 9 आ गया। तो इसका मतलब ये नंबर किससे भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्या आ जाएगा, डिविजिबल बाई 9, क्या जाएगा डिविजिबल बाई 9। तो ये 9 से भी डिवाइड हो रहा है और किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 45 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो लिख देंगे हैंस, क्या लिख देंगे, 25110 इज डिविजिबल बाई किससे डिवाइड हो जाएगा, 45 से।
तो ये हमने कंप्लीट इसको शो कर दिया है कि 5 से भी डिवाइड हो गया, 9 से भी डिवाइड हो गया, तो 45 से भी डिवाइड हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, कि 18 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है। फिर क्या कहता है, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 × 3 = 6। इनकी दोनों की प्रोडक्ट क्या है, 2 × 3 = 6, तो 6 से भी क्या हो जाएगा, 18 डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली ए नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 4 और 6, कहता है कि इसी तरह अगर कोई नंबर 4 से भी डिवाइड हो जाता है और 6 से भी डिवाइड हो जाता है, कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 4 × 6, दैट इज 24। तो कहता है कि क्या इनकी प्रोडक्ट कौन कौन से, 4 और 6 कितने होगी, 24। तो क्या कहता है कि 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर, तो कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो इसको जस्टिफाई करने के लिए कोई भी एग्जाम्पल दो। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 18 है। अब 18 कहता है कि 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, और 2 और 3 की प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाता है। तो 2 और 3 कैसे हैं, को प्राइम नंबर। 2 और 3 कैसे, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, 1 के अलावा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो 18 डिवाइड हो जाता है 2 और 3 से, और ये डिवाइड हो जाता है इनकी प्रोडक्ट से भी। तो कहता है कि अगर कोई नंबर ऐसा है जो 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड होता है, तो कहता है कि क्या उनकी प्रोडक्ट 4 और 6 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 24। क्या वो नंबर किससे डिवाइड हो जाता है, 24 से भी। कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो एग्जाम्पल दो। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे नो। हम क्या लिख देंगे, नो, ऐसा नहीं है। क्यों, एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल क्या लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं, नंबर, लेट नंबर बी 12। कोई नंबर कितना ले लेते हैं हम, 12। अब 12 किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसमें आ जाएगा नंबर जो 12 है, विच इज डिविजिबल बाई बोथ 4 और 6। 12 एक ऐसा नंबर है जो किससे डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है और 6 से भी डिवाइड होता है। लेकिन इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, कितनी, 4 और 6 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 4 × 6 कितना हो जाएगा, 24 आ गया। तो क्या 12 24 से डिवाइड होगा, नहीं। तो ये कहेंगे 12 इज नॉट डिविजिबल बाई किससे, 24 से। तो इसमें हमने यस और नो में आंसर देना था, तो हमारा आंसर था नो। एग्जाम्पल ले दिया हमने, एग्जाम्पल क्या दे दिया हमने, कोई नंबर 12 ले लिया। अब 12 एक ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 24 इनकी जो प्रोडक्ट है 24 है, उसे डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसके इससे हमें ये जस्टिफाई कर दिया है एग्जाम्पल लेकर। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं स्मॉलेस्ट नंबर हूं, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स है, कैन यू फाइंड मी, तो क्या तुम बता सकते हो कि मैं कौन हूं, तुम मुझे फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि मैं एक स्मॉलेस्ट नंबर हूं जिसके कितने फैक्टर है, 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर है। तो कहता है कि कैन यू फाइंड मी, तो हम क्या कहते हैं कि क्या उसको हम फाइंड कर सकते हैं, तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, 4 प्राइम नंबर्स ले लिया हमने, और कौन से ले लिए फर्स्ट 4 प्राइम नंबर ले लिए हमने, कौन से ले लिए प्राइम नंबर, स्टार्ट कहां से होता है, 2 से, तो ले लिए 2, 3, 5 और 7। कितने ले लिए हमने, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर ले लिए, 2, 3, 5, 7। तो वो नंबर निकालना है जिसके ये फैक्टर हो, तो गिवन नंबर क्या आ जाएगा, गिवन नंबर आ जाएगा इनकी प्रोडक्ट निकालते हैं, 2 × 3 × 5 × 7।
टू थ्री जा सिक्स, सिक्स फाइव जा थर्टी। अब जीरो को साइड में रखो, थ्री को सेवन से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 210। तो वो नंबर कौन सा आ गया 210, जिसके फैक्टर पहले फोर प्राइम नंबर है। तो इसमें यही बताना था कि मैं स्मॉलेस्ट नंबर हूं और कहता है कि मेरे फोर डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स है तो मुझे कैसे फाइंड करोगे, तुम मुझे फाइंड कर सकते हो। तो हमने क्या लिया, फोर प्राइम नंबर ले लिए और उसको हमने क्या कर दिया, उनकी प्रोडक्ट निकाल दी। जब हमने उसकी प्रोडक्ट निकाली तो अपने पास नंबर कितना आ गया 210। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना आ जाएगा 210, जिसके फोर डिफरेंट फैक्टर्स है।